सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिविजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें, इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में ऊष्मा भाग 1 के बारे में समझेंगे। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे प्रकाश और उसके प्रभाव भाग 1 को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि
पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा तीन लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ यह मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा, सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे, वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाट से रहते हैं, वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। छाया और उत्सव बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों साथ में पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ खेलते भी हैं। छाया को विज्ञान में बहुत दिलचस्पी है और उत्सव को नई चीजें जानने की खूब उत्सुकता है। एक बार दोनों छाया के कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस दिन उत्सव का मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था। तभी उसकी नजर कमरे में ड्रेसिंग टेबल के शीशे के ऊपर पड़ती है। तुम शीशे में क्या देख रहे हो उत्सव? छाया, मैं यह सोच रहा हूँ हमें शीशों में अपनी तस्वीर, मेरा मतलब है अपनी छवि कैसे दिख जाती है, ऐसा कांच के गिलास में देखने पर तो नहीं होता। अच्छा सवाल है। मुझे इतना पता है कि इसका संबंध प्रकाश से है। चलो आंगन में चलते हैं, वहाँ कुछ प्रयोग करके देखते हैं। उत्सव, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि बाहर हमें ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बाहर सूरज की रोशनी कमरे के बल्ब से ज्यादा तेज है। बिल्कुल ठीक, हमें प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। जब रोशनी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। छाया, मैं समझा नहीं। रोशनी टकराकर आती है, लेकिन पानी में से तो रोशनी आर पार चली जाती है और हम उसके अंदर भी देख सकते हैं। हमें कांच का गिलास भी दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके आर पार भी दिखता है। एक मिनट रुको।
छाया अंदर से एक कांच के गिलास में पानी और एक रुपए के दो सिक्के लेकर आती है। उत्सव ध्यान से देखो। छाया एक सिक्का पानी से भरे गिलास में डाल देती है और गिलास को एक हाथ में उठा लेती है और दूसरे हाथ में दूसरा सिक्का। उत्सव तुम कौन सा सिक्का साफ देख सकते हो, गिलास में या हथेली पर? जो सिक्का तुम्हारे हाथ में है। छाया मुट्ठी बंद कर लेती है। और अब? अब कैसे दिखेगा, तुमने मुट्ठी बंद जो कर ली। और अब गिलास दिख रहा है। तुम्हें कैसी बात कर रही हो, जब तुमने हाथों से गिलास ढक लिया है तो कुछ कैसे दिखेगा? उत्सव कुछ वस्तुएं पारदर्शी जिन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं और कुछ अपारदर्शी जिन्हें हम अंग्रेजी में ओपेक कहते हैं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश गुजर सकता है वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि पानी, साफ शीशा और कई प्रकार की प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, जैसे पानी की बोतलें। हम उनके अंदर देख सकते हैं। प्रकाश उनके अंदर से जाकर जब किसी वस्तु से टकराकर वापस आता है तो हम उसे देख पाते हैं। अब बात आती है उन वस्तुओं की जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर पाता। ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। इनसे प्रकाश टकराकर या तो दूसरी दिशा में मुड़ जाता है या वापस लौट जाता है। छाया, मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ ना। अच्छा, देखो उन पेड़ों को, क्या तुम्हें उनकी छाया दिखाई दे रही है? छाया तो तुम हो, लेकिन हाँ मुझे दिख रही है पेड़ों की छाया। हाँ, मेरे नाम का मतलब यही तो है, किसी वस्तु की परछाई। उत्सव, तुम अगर ध्यान से देखो, कांच के गिलास की परछाई कितनी हल्की है, पानी की परछाई तो लगभग दिख ही नहीं रही, जबकि पेड़ों की परछाई कितनी गहरी है। परछाई या छाया तब बनती है जब प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। जैसे जहाँ जहाँ प्रकाश के रास्ते में पेड़ है, वहाँ वहाँ तुम्हें परछाई दिखाई देगी। ऐसे वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते। छाया, मुझे कुछ बातें अभी भी समझ नहीं आई। जैसे आम शीशे तो पारदर्शी होते हैं, लेकिन फिर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में हमें अपनी तस्वीर कैसे दिखती है? उत्सव, ये सवाल थोड़ा कठिन है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा चलो, हम अपनी विज्ञान की पुस्तक की मदद लेते हैं। छाया अपनी विज्ञान की पुस्तक लेकर आती है और उसे खोलकर देखने लगती है। हाँ, मैं यही चीज तो भूल गई थी। उत्सव, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं अपरभासी भी होती है। इनमें से प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं जा पाता, किंतु कुछ हद तक जा पाता है, जैसे हल्का कागज, हल्का कपड़ा आदि। अच्छा, समझ गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। बता रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करो और शीशे के सामने खड़े हो जाओ। देखो, पहले बल्ब का प्रकाश तुमसे टकराता है, फिर परावर्तित होकर शीशे से टकराता है और उसके पीछे के चिकने पदार्थ से पुनः परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाता है और हम खुद को देख पाते हैं। इसी तरह कमरे की हर वस्तु जो शीशे के सामने है, उसका बिंब हम शीशे में देख सकते हैं। वस्तुओं से प्रकाश टकराकर जब वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन। इसे समझने के लिए ही हमें पारदर्शी एवं अपारदर्शी के बारे में जानना जरूरी था। हर वस्तु अलग अलग मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है। सबसे कम परावर्तन पारदर्शी वस्तुएं करती हैं और सबसे अधिक चमकीले अपारदर्शी। इनके बीच में पारभासी वस्तुएं आती है। जो वस्तुएं उन पर पड़ने वाले लगभग सारे प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। उनमें हम अपनी तस्वीर देख पाते हैं। अच्छा, समझ गया, मतलब ये कि शीशों में से प्रकाश गुजर जाता है लेकिन उसके पीछे के पदार्थ से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ये देखो, ड्रेसिंग टेबल के शीशे के पीछे एक चमकीले पदार्थ का लेप किया गया है जो उस पर पड़ने वाले सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। छाया, मैं समझ गया,
शायद इसी तरह हम कई सारी चिकनी वस्तुओं में अपनी तस्वीर देख पाते हैं, जैसे चिकनी कटोरियाँ और चम्मच। हाँ बिल्कुल, चिकनी वस्तुएं ज्यादा प्रकाश परावर्तित करती है। अच्छा, लेकिन अब मुझे एक और सवाल सूझ गया। अब तो जितना मुझे समझ आया था सब बता दिया। हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि चम्मच में हमारी तस्वीर छोटी क्यों दिखती है। उत्सव, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। हम दोनों टीचर से इसके बारे में जानेंगे। चलो तब तक हम किताबों में ही तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं। भाग एक। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क, गर्म और ठंडी वस्तुओं में अंतर, ख, तापमान क्या होता है, ग, तापमान कैसे मापते हैं। नमस्ते दोस्तों, कितनी गर्मी है आज। मन कर रहा है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊं। कितने अचरज भरी बात है ना दोस्तों, कि हमें गर्म और ठंडी वस्तुओं का अलग एहसास होता है। पर हम ये अनुमान कैसे लगा लेते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? गर्मी के दिनों में हमें गर्मी लगती है और सर्दी में ठंड लगती है। हमें वातावरण का एहसास कैसे हो जाता है? चलिए आज इस वीडियो के पात्रों के माध्यम से इसी तरह के कुछ सवालों के उत्तर ढूंढते हैं। रमा और राजा स्कूल से दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं। लगता है दोनों बहुत भूखे हैं। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से कुछ खाने को दे दो, हम दोनों को बहुत भूख लग रही है। अरे आ गए बच्चों, चलो आओ। आज मैंने तुम दोनों के लिए गरम गरम पूरी और खीर बनाई है। आओ जल्दी से खा लो। वाह, मजा आ गया। ओहो, ये पूरी तो गरम है। तुम कैसे खा रहे हो राजा? तुम्हारी पूरी गरम नहीं है क्या? नहीं रमा, मेरी पूरी तो ठंडी है। माँ,
ऐसा क्यों है कि वही पूरी मुझे गरम लग रही है और राजा को नहीं? हमें बहुत गरम या कम गरम का एहसास कैसे हो जाता है? पहले अपनी पूरी को फूंक कर ठंडी कर लो, फिर हम मिलकर एक प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आपको गरम खाना अच्छा लगता है या ठंडा? बहुत गरम खाने से तो मुंह ही जल जाता है। मैंने इन तीन बर्तनों में पानी भरा है, क्या अब तुम बता सकते हो कि कौन से बर्तन का पानी सबसे गरम है? हाँ, ये दूसरे वाले बर्तन का पानी सबसे गरम है क्योंकि उसमें से भाप निकल रही है। ओह, कितना ठंडा है! और ये ना ठंडा है ना गरम। तो क्या हम किसी भी चीज को छूकर पता लगा सकते हैं कि वो ठंडी है या गरम? नहीं राजा, मुझे लगता है कि वह खतरनाक हो सकता है। जैसे अभी अगर तुम गरम पानी में हाथ डालते तो तुम्हारा हाथ जल सकता था। हाँ, सही बोली तुम रमा, क्योंकि कई चीजें अत्यंत गरम या ठंडी हो सकती हैं और उन्हें छूना संभव नहीं होता। हाँ, जैसे बर्फ। हाँ, बर्फ कितनी ठंडी होती है, कुछ देर पकड़ने से हाथ ही सुन्न हो जाता है, पर अगर कभी हम बर्फ के टुकड़ों को उठाते हैं तो वह जल्दी पिघल भी तो जाते हैं। हाँ, सोचो क्यों रमा, क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी या वातावरण की गर्मी उसे पिघला देती है। अच्छा, इसका मतलब है कि यह जानने के लिए कि कौन सी चीज कितनी गर्म है या ठंडी, हम सिर्फ अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, किसी वस्तु की निश्चित ऊष्मा उसके ताप से समझी जाती है, पर हम ताप कैसे मापते हैं? क्या हुआ राजा, खांस क्यों रहे हो? सुबह से बदन दर्द कर रहा है माँ। अरे, तुम्हारा माथा तो गरम नहीं लग रहा, ठहरो मैं थर्मोमीटर लाती हूँ। राजा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। रमा, तब तक तुम इस थर्मोमीटर को धो कर रख दो। इस थर्मोमीटर से कैसे पता लगता है कि हमें कितना बुखार है? इतनी छोटी सी कांच की ट्यूब है। कैसी हो रमा, कुछ परेशान लग रही हो? लगता है मेरे बारे में सोच रही हो। हाँ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हें ये तो पता ही है कि मेरा इस्तेमाल शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हाँ हाँ, पर यह यहाँ इस छोटे से बल्ब में ये चमकती चीज क्या है? यह मरकरी या पारा है। इस तरफ से जब माँ मुझे तुम्हारे मुंह या बगल में लगाती हैं, तब ये मरकरी फैलने लगता है और इस पतली नली की तरफ से प्रवेश करता है। जहाँ तक यह मरकरी फैलता है, वह तुम्हारे शरीर का तापमान दर्शाता है। यह तुम्हारे ऊपर सी और एफ क्यों लिखा है? रमा, लंबाई को मापने की क्या इकाई है? सेंटीमीटर, मीटर आदि। सही। और ताप मापने के लिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की इकाई का इस्तेमाल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बड़े काम की चीज हो तुम तो। चलो, अब मुझे पानी से साफ करके मेरे कवर में रख दो, नहीं तो माँ नाराज हो जाएंगी। तो देखा दोस्तों, हमें कोई वस्तु कम गरम या कोई वस्तु अधिक गरम क्यों लगती है? हमने ये भी जाना कि शरीर का तापमान कैसे निर्धारित करते हैं। पर क्या इसी थर्मोमीटर से हम गर्म पानी का ताप माप सकते हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे।
अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। शुक्रिया मम्मी, हमें लेजर प्रकाश के कार्यक्रम और प्रकाश स्थापन कार्यक्रम में ले जाने के लिए। कुछ मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा था, कुछ इस कार्यक्रम से जाना और कुछ मुझे कबीर भैया ने बताया था। चलो अब तुम दोनों मुंह हाथ धो लो, फिर हम सब खाना खाएंगे। मम्मी, मेरा तौलिया मिल नहीं रहा है, कहीं मेरा तौलिया छत पर तो नहीं फैला है? अरे हाँ, याद आया, आज मैंने तुम्हारा तौलिया धोकर छत पे फैलाया था और मैं उसे छत से उतारना भूल गई। जाओ सानिया, छत से अपना तौलिया उतार लाओ। ठीक है मम्मी। वाह, आज चांद कितना चमक रहा है। सानिया, सानिया, इतनी देर हो गई, छत पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, चांद देख रही हूँ। रुको, मैं भी छत पर आ रहा हूँ। देखो भैया, चांद कितना चमक रहा है। सानिया, क्या तुम्हें पता है चांद इतना चमकीला क्यों होता है? ये अपनी रोशनी कहाँ से लाता है? हाँ भैया, मैंने 6ठी कक्षा में पढ़ा था कि चांद एक अप्रदीप्त वस्तु है जो कि खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सूरज अपना प्रकाश चांद पर डालता है, जिसको चांद परावर्तित करता है और हमें इतना चमकदार दिखता है। बिल्कुल सही कहा सानिया, चांद की तरह हमारी पृथ्वी भी अप्रदीप्त है और उस पर मिलने वाली ज्यादातर चीजें भी अप्रदीप्त होती है, जैसे कि पेड़, कागज और अन्य वस्तुएं। जबकि सूरज, तारे, मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है।
हाँ सानिया, सही कहा। सानिया कबीर, तुम दोनों कहाँ रह गए? जल्दी से नीचे आओ, खाना भी तो लगाना है। आ रहे हैं मम्मी। देखो सानिया, मेरी स्टील की थाली पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, जिसे हम आपतित किरण भी कहते हैं, और उसके कारण परावर्तित प्रकाश दीवार पर दिख रहा है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में इस बारे में पढ़ा था, क्या आपको याद है? ओहो, बिजली चली गई, अब हमें मोमबत्ती लानी होगी। मैं रसोई घर से मोमबत्ती लाता हूँ। ज्यादा प्रकाश देने के लिए ये मोमबत्ती बहुत छोटी है, हमें दो मोमबत्ती और जलानी पड़ेंगी। मम्मी, मेरे पास एक सुझाव है, क्या मैं और भैया प्रकाश स्थापन करें? ये मोमबत्ती से ज्यादा प्रकाश देगा और मजा भी आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये काम करता है। मेरे हिसाब से ये काम नहीं कर रहा है, मैं क्या गलत कर रही हूँ? क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ बताइए। हम एक प्रयोग करते हैं, उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि एक खाली पारदर्शी डिब्बा, एक सफेद कागज, एक पेंसिल, कुछ रंगीन पेन, एक आयताकार छोटा शीशा, दो चिमटी यानी कपड़ों को गिरने से बचाने वाली, और सबसे जरूरी एक स्केल यानी कि फुट्टा और कोण मापक चांदा, सेलो टेप, लेजर लाइट टॉर्च, पानी, डेटॉल आदि। सारा सामान इकट्ठा कर लिया। चलिए सबसे पहले एक कागज पर सीधी रेखा बनाएंगे, फिर पारदर्शी डिब्बा जिसके केंद्रीय भाग पर कोण मापक चांदा चिपका हो उसके कागज पर बनी उस रेखा पर इस प्रकार रखेंगे कि कोण मापक पर 90 डिग्री का कोण बने। अब हम कोण मापक की आधार रेखा पर हम चिमटी की मदद से आयताकार शीशा सीधा रखेंगे। इस प्रकार की कोण मापक का प्रतिबिंब उसमें नजर आए। पारदर्शी डिब्बे में थोड़ा पानी और डेटॉल का घोल डाल दो, जिससे वो साफ साफ नजर आए। मेरी अध्यापिका ने ये प्रयोग करवाया था, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, डाल दिया पानी और डेटॉल का घोल। अब लेजर लाइट एक कोण पर डालो और देखो। अरे हाँ भैया, अब तो साफ साफ लेजर लाइट की किरण परावर्तित होते दिख रही है। अब अंधेरे में देखो और साफ दिखेगा, और जो बीच की रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना है उससे दोनों आपतन कोण और परावर्तित कोण दोनों को नापो। अरे वाह, ये दोनों तो एकदम बराबर हैं, दोनों ही 50-50 डिग्री का कोण बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। दोस्तों, आप भी किसी बड़े की मदद से ये प्रयोग करने का प्रयास करें और लेजर लाइट से अलग अलग कोण बनाकर आपतन कोण और परावर्तित कोण का माप लें और स्वयं देखें। हाँ, मुझे अभी अभी एक तरकीब सूझी। अगर हम टॉर्च का इस्तेमाल कर शीशे पर सीधे प्रकाश डालें तो? हाँ चलो कोशिश करते हैं। टॉर्च से प्रकाश एकदम सही दिख रहा है। सानिया, परावर्तित शीशे के पथ पर दूसरा शीशा लगा दो। ठीक है। आहा,
यह परावर्तित किरण का प्रतिबिंब दिख रहा है। हाँ, और हम इसी तरह अपना खुद का प्रकाश स्थापन कर सकते हैं। इसी तरह शीशों को आड़े तिरछे तरीके से रखकर हम प्रकाश का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये बहुत मजेदार है। बिजली भी आ गई। भैया, बिजली तो आ गई, पर क्या हम किताब में दिए हुए और कार्य कर सकते हैं? हाँ, चलो करते हैं। भैया, आप जानते हैं, मुझे प्रकाश एक अद्भुत चीज लगती है। यह इतना तेज है और हम सभी चीजों को केवल प्रकाश के कारण देख पाते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि प्रकाश की कितनी गति है? हाँ, प्रकाश वास्तव में मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। क्या हम विसरित प्रतिबिंब और नियमित प्रतिबिंब की अवधारणा को देखें? मैं इस प्रयोग के लिए दो साफ सुथरे कागज लेने जा रही हूँ। एक कागज को हम वैसा ही रखेंगे और एक को हाथ से कुचल देंगे। इस तरह हमारे पास दो तरह की सतह हो जाएंगी। तब हम दोनों पर टॉर्च की रोशनी डाल सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा? आप सोचने के लिए 2 मिनट का समय ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले मामले में जब हम टॉर्च की रोशनी कागज की चमकदार सतह पर डालते हैं तो तेज प्रकाश का नियमित प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरे मामले में प्रकाश इतना तेज नहीं है बल्कि विसरित है। आज हमने जाना, प्रकाश की मदद से हम चीजें देख पाते हैं। दुनिया में 2 तरह की वस्तुएं हैं, अप्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुओं को चमकने के लिए प्रकाश के अन्य स्रोतों की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए चांद, जबकि प्रदीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, जैसे मोमबत्ती, सूरज आदि। परावर्तित प्रकाश को हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा देखते हैं। प्रकाश किरण जो किसी भी सतह से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। प्रतिबिंब के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रतिबिंब के नियमों में से एक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन और परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित सतह से परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। दर्पण जैसी चमकदार सतह से परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। दो शीशों को आमने सामने रखकर परावर्तित किरण को परावर्तित किया जा सकता है। इसी तरह परावर्तित किरण दोनों शीशों से टकराकर बनाई जा सकती है। छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं।
इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1,00,000 स्टूडेंट्स को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो, तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कारकासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं। लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुँच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है। काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीने रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है।
और जो स्टडीज है साइंटिफिक स्टडीज उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीजन है जो एनिमल कारकासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कारकासेस हैं उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एक ले करते हैं उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उसे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग डिक्लोफिनेक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशेषता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं, ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं, भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ़ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब
हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, अच्छा? कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए जी सर, चलिए चलो चलो। हाँ हाँ चलिए, हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिकम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और यह क्या है? पेड़। यानी के तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर, ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा है, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।